पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम अक्सर एक दुष्प्रचार देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके आला कमान नेताओं द्वारा, और साथ ही साथ हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं आए दिन एक ही दुष्प्रचार करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नजर आते हैं। और तो और इन सभी लोगों को गोदी मीडिया का साथ भी बखूबी मिल जाता है, तो मुसलमानों के नाम पर बखेड़ा करा करने की आदत सी इन लोगों को हो चुकी है, क्योंकि लगातार हम कुछ ऐसी ही चीजें देखते रहे कि आए दिन एक जो बात झूठी तरीके से लोगों के सामने रखी जाती है कि जी मुसलमान जो है वो तो चार चार शादियां कर लेते हैं, इतने इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं और ये देखिए कि अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। चार शादी का राग अलापने वाले भारतीय जनता पार्टी, और तो और चार शादियों के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने वाले, आज इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें शायद अपनी इस हरकत पर विश्वास ना हो, और अगर हरकत पर विश्वास नहीं होगा तो गोदी मीडिया भी इसे प्रचार प्रसार नहीं करेगी, ना ही इसके बारे में बताने की कोशिश करेगी। क्योंकि एक अरुण कुमार नाम का शख्स जो कि आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, उसने एक दो तीन नहीं बल्कि आठ आठ शादियां कर रखी हैं, और जब आठ शादियां कर रखी हैं जो उसके पीछे की कहानी निकल करके सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई, जिसमें से वो अपनी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी को वैश्यावृत में जाकर के बेच चुका है, और तीसरी और चौथी पत्नी जो है वो पुलिस के पास पहुंची, और जब तीसरी चौथी पत्नी पहुंची तो और जब जांच पड़ताल बैठी अरुण कुमार के ऊपर तो हर कोई हैरान रह गया और दंग रह गया कि आठ आठ शादियां अरुण कुमार ने कर रखी थी। और शायद मीडिया के पास वक्त नहीं है अरुण कुमार को लेकर के बात करने का, अगर अरुण कुमार की जगह आरिफ होता तो गला फाड़ फाड़ करके ये मीडिया बखेड़ा खड़ा कर देता और दिन रात एक ही डिबेट कई महीनों तक चलती कि देखिए साहब मुसलमान जो है किस तरीके से इतनी वैश्यानापन दिखा रहे हैं और आठ आठ शादियां कर रखी हैं। पर आरिफ की जगह अरुण कुमार है तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से खामोश हैं, और गोदी मीडिया भी इस पर कुछ कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने एक के बाद एक आठ महिलाओं से शादी कर ली। वो शादी के बाद सभी महिलाओं को धोखा दे रहा था। आरोपी की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है, जिसने एक समय में सभी पीड़ित महिलाओं से शादी की थी। पीड़ित महिलाओं को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि अरुण कुमार ने उन महिलाओं को धमकी देता है और उनका इस्तेमाल करता है। उन्होंने उन्हें वैश्यावृत्ति में भी धकेल दिया और दो पत्नियों को वैशाल्य में बेच दिया। इसके बाद किसी तरह उन पीड़ित महिलाओं ने पिछले महीने पुलिस से संपर्क किया। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि अरुण कुमार के ऐसे अज्ञात लिंग की वजह से पुलिस ने इन मामलों में चुप रही, और ये पता चला अब आरोपी के पकड़े जाने में कि डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों का हाथ इसमें शामिल था। स्थानीय पुलिस की लापरवाही से निराश होकर लोगों ने सीपी विजाग मनीष कुमार को वॉइस मैसेज भेजा था, जिसके बाद उन्होंने मामले की जांच के तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की। अब पुलिस प्रमुख ने आश्वासन दिया है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मामले में लापरवाही दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा जिनके आरोपी के साथ लिंक हैं, क्योंकि आरोपी गांजा तस्करी और अन्य आरोपियों के साथ अपराधियों के में शामिल है और पुलिस भी उसकी छानबीन में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। तो दोस्तों आपने देखा कि ये अरुण कुमार की कहानी आप लोगों के सामने रखी, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, गांजा तस्कर है, गांजा तस्कर के साथ साथ कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है, और जब इसकी पत्नियां पुलिस के पास पहुंची तो खुलासा हुआ
कि 8 शादियां करके ये शख्स बैठा हुआ है, हर पत्नी को धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, इसके बारे में बात होनी चाहिए थी। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि मसाला जो है इनके लायक नहीं है, और जब मसाला और स्क्रिप्ट इनके अकॉर्डिंग नहीं है तो अरुण कुमार पर खामोशी इख्तियार करके संघ प्रसारक, जितने भी संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं वो खामोश है, भारतीय जनता पार्टी खामोश है, और साथ ही साथ हिंदूवादी संगठन और गोदी मीडिया तक खामोश बैठी हुई है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास में रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई अब आपसे बहस करे और ये बताने की कोशिश करे कि देखिए मुसलमानों के इसमें चार चार शादियां करने के लिए कहा गया है, मुसलमान चार चार शादी करते हैं, हालांकि आज तक एक भी रिकॉर्ड सामने लेकर के आ नहीं पाए, और अब इस रिकॉर्ड को आप डाउनलोड करके रखिएगा और उन लोगों को बताने की कोशिश करिएगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अरुण कुमार से जुड़ी खबरों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था, और ऐसी ही खबरों को लेकर के मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।